नमस्कार दोस्तों, विचित्र संसार की एक और रहस्यमयी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया में पाई जाने वाली कुछ विचित्र और रहस्यमयी झरने जो शायद आपको मालूम ना हो। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रोमांचक वीडियो। इसमें नंबर 5 पर आता है डूंगरपुर का रहस्यमय झरना। भारत में अवस्थित डूंगरपुर का यह रहस्यमय झरना 400 सालों से बह रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यही है कि इस झरने का पानी कहां से आता है यह किसी को नहीं पता। आदिवासी बहुल डूंगरपुर अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। डूंगरपुर में ऐसी कई रहस्यमय चीजें हैं जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। उसी में से एक है 400 सालों से बहता हुआ पानी का झरना। ये झरना आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, रहस्यमय अंडरवाटर झरना। जादुई है यह अंडरवाटर झरना। यहाँ से दिखता है ऐसा नजारा कि अच्छे अच्छों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मॉरिशस में अवस्थित यह एक बड़ा ही फेमस अंडरवाटर झरना है जो सचमुच में एक अद्भुत और आश्चर्य है, जिसके चारों ओर अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ इस अंडरवाटर झरने का ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की आंखें धोखा खा जाती हैं। यही वजह है कि इस अंडरवाटर झरने को जादुई भी कहा जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इसका रहस्य। अर्थाली मिशन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यह झरना हिंद महासागर में मॉरिशस के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर लेमोरने ब्रे प्रायद्वीप में स्थित है। इस झरने के पास लेमोरने ब्रे पर्वत भी है जो समुद्र तल से 556 मीटर ऊंचा है, जो काफी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस इलाके को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। मॉरिशस का यह झरना असल में एक आकर्षक भ्रम इल्यूजन है जिसे देखकर आपकी नजरें भी धोखा खा जाएंगी। नंबर 3, योसेमिटी फॉल्स। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित योसेमिटी नेशनल पार्क में एक प्रसिद्ध झरना है। अमेरिका के एक नेशनल पार्क में हर साल फरवरी में ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो किसी कल्पना से कम नहीं। दुनिया भर से हजारों लोग सिर्फ कुछ पलों के लिए यहाँ आग का झरना देखने आते हैं। कैलिफोर्निया में करीब 1500 फीट ऊंची चट्टान से बहते लावा सी शक्ल लिए हॉस्टल फॉल्स ऐसा लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी से बहता हो। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ आंखों का धोखा है और दरअसल यहां आग जैसा कुछ नहीं। इसकी एक झलक देखने के लिए फरवरी के 10 दिन तक लोग आते रहते हैं। चंद पलों को आंखों और यादों में कैद करना ऐसा अनुभव है जिसे नेचर फोटोग्राफर कभी भूल नहीं पाते। कैसे बनता है आग का झरना? दरअसल हॉस्टल फॉल पानी का ही झरना है, सिर्फ रोशनी का। ऐसा खेल है जो फोटोग्राफ्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं। स्थानीय फोटोग्राफ्स बताते हैं कि करीब 4 साल बाद हालात ऐसे रहे हैं कि झरना बहता लावा सा लगा है। नेशनल पार्क के मुताबिक सूरज इस झरने के ठीक सामने अस्त होता है। जब यह एक खास एंगल पर होता है तो झरना नारंगी लाल रंग का दिखने लगता है। इसे देखने के लिए लोगों से कुछ दूर एक खास जगह पर खड़े होने को कहा जाता है। यहाँ से लावा का रूप लेते झरने की तस्वीर शानदार आती है। इसके साथ गिरती बर्फ और बढ़ता हुआ पानी का बहाव और साफ आसमान हो तो क्या कहने। नंबर 2, डेविल्स कैटल फॉल्स। एक छोटी गुफा में समा जाती है पूरी नदी। साइंस के लिए अभी भी मिस्ट्री है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य है जिसे आज तक सुलझाया नहीं गया है। एक ऐसी ही मिस्ट्री है जो नदी से जुड़ी हुई है। आपने नदी को बहते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन एक ऐसी गुफा भी है जिसमें पूरी की पूरी नदी समा जाती है। स्थानीय लोगों ने इस नदी का नाम शैतान की केतली दिया है। कई वैज्ञानिकों ने इस गुफा से जुड़े रहस्य को खोजने और नदी के समा जाने के कारण की असली वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। साइंस के पास अभी भी इसका कोई जवाब नहीं है। बता दें कि यह गुफा अमेरिका में स्थित है। अंग्रेजी में इसे डेविल्स कैटल कहा जाता है। अमेरिका के मिनेसोटा में जर्ज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क में यह नदी एक झरने के तौर पर गिरती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस नदी से गिरने वाला पानी एक छोटे से होल में पूरा का पूरा समा जाता है। यह होल एक गुफा के जैसा नजर आता है। बताया जाता है कि ब्रूल नदी का पानी घुमावदार शकरी चट्टानों के रास्ते से होते हुए नीचे गिरता है, फिर इस गुफा में पूरा का पूरा समा जाता है। आज भी वैज्ञानिकों के लिए डेविलस कैटल एक रहस्य बना हुआ है।
आखिर गुफा में पूरी नदी का पानी कैसे समा सकता है? नदी का पानी जाता कहाँ है? इस सवाल का जवाब अभी भी एक्सपर्ट्स तलाश रहे हैं। डेविल्स कैटल के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कुछ नहीं किया। उस गुफा में पिंग पोंग बॉल डाला गया, कलर मिलाया गया, ढाई भी फेंका गया, हर तरकीब आजमाई गई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। नंबर एक, वसुधारा झरना बद्रीनाथ। भारत के आखिरी गांव में मौजूद यह रहस्यमय झरना, जहां जीवन में एक बार जाने का सपना देखते हैं लोग। लेकिन यह झरना गिरता नहीं किसी भी पापी के ऊपर, अगर गिर जाए तो मिट जाएंगे सारे पाप। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के कण कण में देव रहते हैं। यहाँ की नदियों और झरनों से लेकर धार्मिक जगहों का अपना एक अलग ही महत्व और इतिहास है। उत्तराखंड की कुछ चमत्कारी जगह तो लोगों को बेहद आकर्षित करती है, जिसमें यह झरना भी आता है। इस वाटरफॉल के बारे में कहते हैं कि इसका पानी पापी व्यक्तियों के तन पर पड़ते ही गिरना बंद कर देता है। जी हाँ, चमोली जिले के बद्रीनाथ में मौजूद इस झरने के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर और भारत के आखिरी गांव माना से कुछ 5 किलोमीटर दूर यह झरना स्थित है। समुद्र तल से 1,350 फीट ऊंचे इस झरने को वसुधारा के नाम से जाना जाता है। झरने का उल्लेख शास्त्र में भी किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वसुधारा का एक छींटा भी अगर मनुष्य के तन पर पड़ जाए तो उसके पाप मिट जाते हैं। बता दें, पवित्र झरना अपने अंदर कई रहस्यमय चीजों को समेटे हुए हैं। इस झरने का पानी करीबन 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी खूबसूरत मोतियों जैसी धारा आपको स्वर्ग में होने का एहसास करा देगी। आपको इस पांचों रहस्यों में कौन झरना अधिक रहस्यमयी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।